वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज खालसा पंथ की माणमत्ती जथेबंदी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का स्थापना दिवस है। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का इतिहास बहुत गौरवमई ते माणमत्ता इतिहास है। जदों 1920 दे विच इसकी स्थापना हुई तो उस वेले तो ही इसने समय समय के उत्ते बहुत वड्डियां चुनौतियां का सामना किया। ब्रिटिश हकूमत भावें श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक्ट पास करके श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं मानता दे गई, पर ब्रिटिश हकूमत ने अपने दौर दे विच भी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं खत्म करन दे लई दबाउन दे विच कोई कसर बाकी नहीं सी छड्डी। इस नूं स्थापन करन दे लई खालसा पंथ ने बड़ियां वड्डियां कुरबानियां दित्तियां ने, शहीदियां दित्तियां ने। वो शहीदियां नौजवानों दियां ने, वो शहीदियां बच्चियां दियां ने, वो शहीदियां बीबियां दियां ने, वो शहीदियां बजुर्गों दियां ने। जे मैं कह दियां अतकथनी नहीं है कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां नीहां दे विच शहीदां दा लहू जिहड़ा है वह पाया होया, शहीदां दा लहू डुल्लिया होया, और सिखां दे सिरां दे उत्ते इस संस्था की न्यों जिहड़ी है वह रखी। ब्रिटिश हकूमत दे दौर की जदों आपां गल करिए तो उस हकूमत ने कदे इस नूं बंद करन दियां गोंदा गुंदियां, पाबंदी लाउन दियां गोंदा गुंदियां, कदे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्ज खेत्र दे विच दखल अंदाजी जिहड़ी है सिद्धी असिद्धी करन दा वड्डी कोशिश कीती। पर इह जथेबंदी अपनी राहां दे उत्ते तुरदी गई। 1947 दे विच जदों पंजाब दी वंड होई तां श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं भी बहुत वड्डा झटका लग्गिया, क्योंकि पाकिस्तान दे बहुत सारे गुरद्वारा साहिबान जिन्हां दा प्रबंध सीधे तौर दे उत्ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी देखदी सी वो इहदे दायरे तों बाहर हो गए। पर इहदे नाल ही पैपसू दे गुरद्वारे जिहड़े सी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रबंध अधीन आए। तो जदों मौजूदा सरकार ने देखिया कि इह सिखां दी रीढ़ दी हड्डी है, सिखां नूं इत्थों ताकत मिलदी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिथों सिख गल करदे ने ते उह गल जिहड़ी है दुनिया दे विच जांदी है, तां मौजूदा उस दौर दीआं जिहड़ीआं केंद्र सरकारां सी उहनां ने भी इस जथेबंदी नूं खत्म करन दे लई वड्डियां चालां चलियां। जदों इलैक्शन हुंदे तां उहनां इलैक्शनां दे विच सिख मौकठे पा के अपने जिहड़े है उह करिंदे खड़े कीते जांदे, हालांकि सिख संगत ने कदे उहनां करिंदियां नूं जिहड़ा है उह मूँह नहीं लाया। कदे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रबंधां दे विच सिद्धी दखल अंदाजी करके इस दे मियार नूं, इस दे वकार नूं घटाउण दा जिहड़ा यतन जिहड़ा है उस वेले दीआं केंद्र सरकारां जिहड़ियां उह करदियां, पर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने पिंडियां दे उत्ते इह सारा कुछ सहिंदी खालसा पंथ की अगवाई करती अगे वधदी गई। एक ऐसा दौर भी आया जदों श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपने अखां दे नाल सचखंड श्री हरिमंदर साहब, श्री दरबार साहब ते श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते टैंकां गोलियां दे नाल हमला जिहड़ा है वह हुंदा वेख्या, और बेबसी दे नाल इस नूं अपने पिंडे दे उत्ते सहारिया। 1984 दे विच उस वेले दी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी इस दे वजूद नूं खत्म करन दे लई बहुत वड्डी गोंद गुंदी, पर उस वेले साडे सियाणे जिहड़े आगू सी उहनां ने श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दी होंद नूं जिहड़ा है वह बचाई रखिया, इस नूं खत्म नहीं होण दित्ता। जदों सरकार ने देखिया कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं किसे भी सीधे ढंग दे नाल असीं खत्म नहीं कर सकते, तो फिर 1984 तो बाद एक ऐसा दौर जिहड़ा है वह हुकूमत ने लै आंदा कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाफ सिख मनां दे अंदर ही नफरत भरन दे लई बिरतांत जिहड़ा है वह झूठा सिरजिया जाण लग्गिया।
श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदरों भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को वड्डियां चुनौतियां का सामना करना पिया। यह नहीं है कि बाहरों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को चुनौतियों का सामना करना पिया, अपने अंदरों ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ा है उन्हां लोगों का भी तो उन्हां लोगों द्वारा दित्तियां चुनौतियों का भी सामना करना पिया जिहड़े इन खोखला कर रहे थे। उस वेले होर ज़्यादा ये जिहड़ा वृतांत झूठा सिरजा जा रहा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाफ उसनों बल मिलिया जो सोशल मीडिया का जमाना आया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वड्डे प्रबंध करती है तो वड्डे प्रबंधां दे विच कितने ना कितने छोटिया मोटिया खामिया भी जड़िया है वह रह जांदियां और रहणियां सुभाविक है, लेकिन झूठा वृतांत सिरजन वालिया ने उन्हां कमियां नूं इन्ना वड्डा बना के जिहड़ा है वह पेश किया कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अक्स नूं टा लगी। वह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो मते पास करती सी तो उन्हां मतियां की दहाड़ जिहड़ी है वह दिल्ली के किले के बूहियां तक पुजती सी, तो अज हालत ये हो गई कि उन्हां मतियां की जिहड़ी आवाज़ है वह अखबारों के कोने दे विच बनी हुई एक डब्बी तक महदूद होकर रह गई। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखां दी मानमती संस्था है, ये सिखां दी राजसी होंद नूं भी जिउंदा रखती है। मैं समुचे सिख जगत नूं चाहे वह किसी विदेश दे विच बैठे ने इहो अपील करांगा, इहदा प्रबंध कौन करदा है कौन नहीं करदा इहदे नाल कोई मतलब नहीं, लेकिन यह संस्था जिहड़ी है वह खत्म नहीं होनी चाहिए, इहदा वजूद खत्म नहीं होना चाहिए, इहदे वजूद नूं बचाउण दे लई उपराले होने चाहिए ने।